हिमालय विकलांग संघ की मासिक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता विकलांग संघ की जिलाध्यक्ष हेमलता पठानिया ने की। इस बैठक में विकलांगों की समस्याओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही आईआरडीपी किचन में पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा विकलांगों के साथ किए जा रहे पक्षपात को लेकर रोष व्यक्त किया गया। साथ ही बसों में विकलांगों को सीट रिजर्वेशन में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की सरकार की नीति का भी विरोध किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में संघ की जिलाध्यक्ष हेमलता पठानिया ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर व जिला प्रशासन से विकलांगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की मांग की है। बल्लभ कॉलेज मंडी के 5 विद्यार्थियों को आईआईटी मद्रास के शास्त्र फेस्ट में भाग लेने का मौका मिलेगा। बल्लभ कॉलेज मंडी के जूलॉजी विभाग में 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तरीय वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्कशॉप में शानदार प्रदर्शन करने वाले 5 प्रतिभागियों को ही आईआईटी मद्रास जाने का मौका मिलेगा। वर्कशॉप आईआईटी मद्रास के शास्त्र फेस्ट के सहयोग से आयोजित की जा रही है। इस वर्कशॉप में प्रथम वर्ष तृतीय व पांचवें सेमेस्टर के 40 विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। इन्हीं में से 5 विद्यार्थियों का चयन शास्त्र फेस्ट के लिए होगा। वर्कशॉप के मुख्य वक्ता पांडिचेरी यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर रहे प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर प्रदीप रहे, जिन्होंने वर्कशॉप में प्रतिभागियों को टिप्स दिए। बल्लभ कॉलेज मंडी की जूलॉजी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर राधिका जम्बाल ने बताया कि आईआईटी मद्रास एक प्रतिष्ठित संस्थान है। ऐसे में कॉलेज के 5 विद्यार्थियों को आईआईटी मद्रास के शास्त्र फेस्ट में जाने का मौका मिलना गर्व की बात है। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में मुख्य वक्ता प्रतिभागियों को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में थ्योरी व प्रैक्टिकल के बारे में विस्तार से बताएंगे। उन्होंने बताया कि ये वर्कशॉप न केवल बच्चों के लिए बल्कि प्राध्यापकों के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि शास्त्र भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास का वार्षिक तकनीकी उत्सव है। इसमें विभिन्न इंजीनियरिंग विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रतियोगिताओं शिखर व्याख्यान वीडियो सम्मेलन प्रदर्शनों और कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। ये फेस्ट जनवरी के पहले सप्ताह के दौरान 4 दिन 4 रातों के लिए आयोजित किया जाता है। जिला मंडी के प्रारंभिक स्कूलों को 6.76 करोड़ रुपए की ग्रांट जारी हुई है। ये ग्रांट सभी प्राइमरी व मिडिल स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत जारी की गई है। इससे स्कूलों में बजट के अभाव में रुके विकास कार्य में तेजी आएगी, वहीं शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। खास बात ये है कि इस बार बीआरसी कार्यालय व स्पोर्ट्स के लिए अलग से ग्रांट जारी हुई है। यूडाइस डाटा के अनुसार जिला मंडी के कुल 2450 पाठशालाओं 383 संकुल केंद्रों व 20 खंड स्रोत समन्वयक केंद्रों के लिए 2019-20 के लिए प्रस्तावित अनुदानों को प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। स्वीकृति मिलने के बाद अनुदान की राशि पाठशालाओं व केंद्रों को जारी कर दी गई है। स्कूलों की इनरोलमेंट के आधार पर ही अनुदान जारी किया गया है। जिला की कुल 2450 प्रारंभिक पाठशालाओं को एनरोलमेंट के आधार पर पाठशाला अनुदान कुल 4,19,00,000 जारी कर दी है। इसमें 15 से कम विद्यार्थियों वाले 735 स्कूलों को 12,500 रुपए प्रति स्कूल ग्रांट के हिसाब से 91,00,000 रुपए धनराशि जारी की गई, जबकि 1,288 स्कूलों के लिए 25,000 रुपए के हिसाब से करीब 3,22,00,000 धनराशि जारी की गई है। वहीं 250 से अधिक एनरोलमेंट वाले 11 स्कूलों को 50,000 रुपए के हिसाब से 5,50,000 रुपए ग्रांट दी गई है। स्पोर्ट्स ग्रांट भी एनरोलमेंट के आधार पर ही दी गई। 1,710
प्राइमरी स्कूलों को 5000 रुपए के हिसाब से 85.5 लाख रुपए, ग्रांट व 324 मिडिल स्कूलों को 10000 के हिसाब से 32.40 लाख रुपए ग्रांट जारी की गई है। सभी स्कूलों को ग्रांट जारी कर दी गई है। संबंधित प्रभारी व एसएमसी जारी किए गए अनुदानों को चालू वित्त वर्ष में खर्च करने की भी ग्रांट जारी की गई है। बल्लभ महाविद्यालय मंडी में छात्र संगठन एनएसयूआई द्वारा आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस आयोजित आम सभा की बैठक में महाविद्यालय में छात्रों को पेश आ रही समस्याओं पर मंथन किया गया और भविष्य के लिए रणनीति तैयार की गई के साथ ही नई कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। जानकारी देते हुए पूर्व एनएसयूआई अध्यक्ष आजाद कुमरा ने बताया कि नई कार्यकारिणी में हरनाम सिंह को अध्यक्ष जबकि योगराज को उपाध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया। इसके अलावा 25 सदस्य कार्यकारिणी का भी गठन किया गया। कार्यकारिणी आगामी एक वर्ष के लिए कार्य करेगी।